एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मोक्षा की मॉर्निंग हो गई है और मोक्षा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है, और लेकिन थोड़ा वीक हो गई है क्योंकि इसने बिल्कुल सॉलिड और सेमी सॉलिड तो कुछ खाती ही नहीं है, सिर्फ ब्रश वीट पे रहती है। तो अभी देखो मैं जिस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो बहुत चुप हो गई है, इतनी मस्ती में है कि इधर उधर पिलों को फेंक रही है। सुबह की शुरुआत खुशी से हो तो अच्छा है, हंसमुख रहना चाहिए। मैं तो बहुत हंसमुख हूँ। बस मैं किचन में काम कर रही थी, नाइफ लगा हुआ हाथ में, आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, और सैंडविच बनाने के बाद करूँगी बाकी के काम। और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं है तो ब्लॉग कंटिन्यू भी डालने का इरादा है आज की, हो जाए तो। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब तक मैं बनाती हूँ सैंडविच। और मोक्षा भी आपको हेल्प करना चाहती हूँ। मोक्षा, हेलो मोक्षा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? तो किचन में हो गया है शुरू काम मॉर्निंग के। बस सोच रही थी कपड़े धोने से पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, फिर नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो पूरे वीक के कपड़े हैं, लास्ट मैंने सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे को या फ्राइडे को ही धोए थे, और आज फिर से सैटरडे है। और उसका रीज़न ये था कि पानी का बहुत शॉर्टेज था, और पानी जो आ रहा था वो बहुत डर्टी था, उसमें स्मेल आ रहा था, वो भी प्रॉपर नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज नहीं धो रही करके बहुत टाइम हो गया, बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, जब कहीं जाओ तो और ज़्यादा हो जाते हैं, दो दो कपड़े चेंज होते हैं। तो बस मैं आज ब्रेकफास्ट में टोस्ट बना रही हूँ, सैंडविच बना रही हूँ। तो मैं पोटैटो मैश करके, पोटैटो का पेस्ट है और इसमें मैंने सिर्फ रेड चिली और सॉल्ट डाला है, नमक और लाल मिर्च, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से अभी बनाइएगा आप, क्योंकि बाहर के जब कभी अलग सा टिफिन से खाने का मन हो तो इस तरह का मैं इस तरह के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और विंटर्स में सारी वेजिटेबल्स भी अवेलेबल होती है तो और अच्छा लगता है। तो क्यूकम्बर है, अनियन है, टमाटो है, तो इस पर बस मैंने जैसे एक लेयर उसकी लगाई है पोटैटो मैश की, उसके बाद मैंने टमाटो लगाया। कोई भी वेजिटेबल आप अपनी पसंद की लगा सकते हैं, अनियन है, टमाटो है, टमाटो और पोटैटो तो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्यूकम्बर एंड प्याज भी रख रही, खीरा और प्याज भी रख दिया। उसके आप सॉस अगर खाते हैं तो सॉस डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मैं इनके लिए बना रही हूँ, इसमें मैं सॉस डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे सॉस पसंद नहीं है, मैं सॉस नहीं खाती, और अनियन और क्यूकम्बर भी नहीं डाल रही अपने में, बट इस तरह से बना के बहुत टेस्टी लगता है। और ये जल्दी से
था कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, बट मोक्षा उठ के रोने लगी ऐसे, बस मम्मा की गोद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और कुछ सुनना भी नहीं है इसको, किसी भी तरह से बहाने बनाओ और बस कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोक्षा का रोना हो गया चालू, ऐसे मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। मैं सोच रही थी कपड़े, पहले तो ड्रायर बहुत वॉइस कर रहा है, बहुत उसमें इतना आवाज़ हो रही है, अगर मैं ड्रायर चला भी देती हूँ तो भी ये जगेगी, और अगर मैं ड्रायर से नहीं धो रही हूँ, ड्रायर से कपड़ों को वॉश मतलब ड्राई नहीं कर रही हूँ तो मेरे को टाइम चाहिए। तो देखिए अभी जग गई है और तेज़ तेज़ रोने लगती है, जिसको मम्मा नहीं देखती है। तो बस काम छोड़ कर आई हूँ, फटाफट से मैंने सफाई की है, अभी किचन का काम बाकी है, बर्तन साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा पहले सबसे बड़ा काम कर रही थी, सैटरडे से आज सैटरडे हो गया, पूरे वीक के कपड़े हैं तो बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं, और दो दो बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए अभी भी मोक्षा को रोना है। बस मैं आपसे 2-2.5 बजे के बाद से अब मिल रही हूँ, बज रहे हैं 7:30-8 बजे होंगे, तो शायद 8 ही बज रहे हैं। तो मैं सोच रही थी क्योंकि अभी मैंने कुछ चाय वगैरह बनाने के बाद सोचा कि क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता, तो दोनों को तीनों को पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि आज मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए, तो मोक्षा भी खा लेगी, थोड़ा बहुत तो खाती है, 1-2 चम्मच खाएगी, क्योंकि अगर मैं अलग से कुछ बनाती हूँ तो वो खाती नहीं है, तो फिर वो वेस्ट होता है। और हाँ ना, मैं ये पता है मैं क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि जब कुकर बंद करके रख दो ना, उसमें थोड़ा सा पता नहीं कैसे स्मेल आ जाता है, जैसे बंद रहता है तो आलू वगैरह जब उसमें बॉईल करते हैं, तो फिर मैं जब भी इसको वॉश करती हूँ और बनाने से पहले भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस यही था, और मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज, और देखते हैं बच्चे खाते हैं या नहीं खाते, क्योंकि टुक्कू के भी नखरे, उसे भी नई नई चीज़ें चाहिए। मैंने उसके लिए टिक्की बनाई थी, उसको बर्गर चाहिए था, तो मैंने बर्गर भी बनाया था मॉर्निंग में, और अब फिलहाल मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। जल्दी से खिचड़ी बन जाएगी और मतलब हेल्दी भी है और डाइजेस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि पता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैगी भी खाई थी, तो फिर यही था कि रात को अगर भूख लगेगी, क्योंकि खाना खा के नहीं सो गए तो फिर भूख लगेगी, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी होना चाहिए और कुछ लाइट होना चाहिए, तो फिर सोचा कि यही बना रहा था। तो अभी ट्यूशन गई हुई है और जैसे वो आएगी तो मैं खिला दूँगी उसको, बस फटाफट से डाली थी तो मैंने उसको सोच करके रख दी। मैंने प्री मिक्स भी बनाया हुआ था, लेकिन मोक्षा बिल्कुल भी नहीं खाती है प्री मिक्स, मुझे ऐसा लगता है वो प्री मिक्स भी मुझे किसी कटलेट वगैरह में यूज़ करना पड़ेगा। वो मैंने दाल और चावल अलग अलग से बनाए थे, और ये मैंने बॉईल करके रखी थी घिया, क्योंकि वैसे तो वो घिया की सब्ज़ी नहीं खाएगी, और फिर मैंने सोचा मैं इसी में डाल देती हूँ, इसीलिए मैंने फटाफट से इसमें बॉईल कर दिया, क्योंकि बच्चों को ना सिंगल सिंगल चीज़ें नहीं खाते ही नहीं है, नखरे होते हैं उसके में, तो इसमें रहेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा, और इससे क्या हेल्दी भी हो जाएगा और लाइट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ देखते हुए, क्योंकि आप भी अगर मॉम हैं तो आपको समझ में आता हो कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही खाने में बहुत पोसती है, फसी ईटर जो होते हैं ना वही है हमारी मोक्षा और मान्या, दोनों ही एक सी हैं। तो बस फटाफट से मैं इसे बना लेती हूँ और यही डिनर है आज, क्योंकि मैं भूल तो रही, जैसे कि मैगी खाई थी तो फिर खाने का मन ही नहीं था कि क्या खाएं, तो रोटी वगैरह तो बनाने का मेरा भी मन नहीं था कि नहीं छोड़ो आज रोटी नहीं बनाते, पूरा दिन तो कपड़े धोए थे ना, तो मैं इतना थक गई थी, और फिर लेट खाना खाया था तो इस वजह से भी बार बार नहीं खा सकते थे, तो इसीलिए बस मैंने ये बनाया है सैटरडे का लाइट, बिल्कुल लाइट डिनर, और बस मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। मोक्षा रो रही है। ये था छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।